Hello students, we were discussing the Gauss's laws. So, in the previous video we have discussed some problem related to the Boyle's law. So today we are going to continue the topic, and the next topic or the next law is Charles' law. This is second one, Charles' law, or we can say it is also called temperature and volume relationship. चलिए बात करते हैं. चार्ल्स साइंटिस्ट ने चार्ल्स डिस्कवर दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज द टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस अल्टर्ड क्या होता है चेंज हो जाता है ठीक है चेंज हो जाता है कैसे चेंज होता है इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज एंड इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर देन द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज बट ही गेव अ रिलेशनशिप दैट इफ और वी कैन से फॉर each degree rise in temperature the volume of gas increased by 1 upon 273.15 ठीक है increased by 1 upon 273.15 if initial volume of gas be V0 capital में बना लेते इसको V0 and final volume of gas VT final means after increasing the temperature by 1 degree so ठीक है टेम्परेचर 0 degree to 1 degree हमने कर लिया ठीक है सो वी फाइनल यानी कि वी जो फाइनल आया वो इनिशियल में क्या हुआ इनिशियल का 1 upon 273.5 मल्टीपल एड होकर जिसमें आ गया यानी कि इनिशियल का इतने गुना हर बार बढ़ जाएगा हर एक डिग्री बढ़ाने के लिए ठीक है इसको और ज्यादा कर लेते हैं वी टी इसको V0 वन प्लस 273.15 वी टी इक्वल्स टू V0 फाइनल वॉल्यूम ये रहा ठीक है इसको जरा 2T डिग्री सेल्सियस कर लो इसको तो टी यहां आ जाएगा ठीक है ना तो 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15 ठीक है तो ये एक रिलेशन आया एक बार फिर से समझ लेते हैं दोबारा ठीक है चार्ल्स लॉ क्या है चार्ल्स लॉ है टेम्परेचर वॉल्यूम के बिटवीन रिलेशनशिप है इट इज कंसिडर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट इज कंसिडर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज देन द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इंक्रीज इफ द टेम्परेचर डिक्रीज देन द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो डिक्रीज फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज बाय दिस वन अगर एक डिग्री बढ़ाया तो 1 अपॉन
273.15, 2 डिग्री बढ़ाओगे तो 2/273.15, 3 डिग्री बढ़ाओगे तो T/273.15. If the initial volume of gas is V0 and the final volume of gas VT, final volume of gas after rising temperature, after rising temperature at T degree Celsius, ठीक है, T degree Celsius तक हमने पढ़ा है, तो volume of VT, so 0 to T degree Celsius, we have increased the temperature. VT क्या होगा, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम गैस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कितना, T/273, क्योंकि 1 ईच डिग्री, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाओगे तो 1/273, 3 डिग्री बढ़ाओगे तो T/273 किसका, इनिशियल का, ठीक है, इनिशियल हो जाएगा, तो इनिशियल प्लस जितना बढ़ा उतना इनिशियल था और इनिशियल में इतना बढ़ गया, तो इसको सोल्व करके ये आया, तो यहां से एक न्यू स्केल डेटा मिला, न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, विच इज ऑलवेज विच इज ऑलवेज 273.15 ग्रेटर देन द डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहां से एक रिलेशन बनेगा, जैसे कि एक अभी मैं बता देता हूं, VT/V0 इक्वल्स टू क्या हुआ, 273.15 प्लस T/273.15, ठीक है, यहां से एक रिलेशन बन रहा है, इनिशियल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना, तो T डिग्री सेल्सियस पे T बढ़ गया, यानी कि हर बार एक वैल्यू एड हो रही है 273.15, ठीक है, तो एक डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273.15 वैल्यू एड कर रहे हैं तो एक नया स्केल बन के आ रहा है कि इस टेम्परेचर पे इतना तो इस पे इतना, तो ये वॉल्यूम जो सॉरी ये वैल्यू जो थी ये नया स्केल आया, दिस वॉज द न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है, और ये याद रखना है डिग्री सेल्सियस में डिग्री लगता है बट डिग्री का साइन केल्विन में नहीं लगता, ठीक है, एंड वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, दिखाई देगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम थी हमारी और यहां देख लो इतना केल्विन आया 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो यहां से रिलेशन बना, अगर मैं कहूं V2/V1 देन T2/T1 और V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये मेरा रिलेशन यहां से आ रहा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये मेरा रिलेशन आ रहा है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, और ये कहां पर है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर ये बात चल रही है, ठीक है, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, 5, 4, 3, 2, 1, ओके, वेरी गुड, चलिए तो मेरा रिलेशन निकल के आ गया हमारा के चार्ल्स लॉ में ये रिलेशन लगेगा, बात करते हैं, यही हमने लिखा भी था वहां इंट्रोडक्शन से, जब एक पूरा लिस्ट बना था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोज़ लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है, वहां पर चलिए, ये तो था पूरा पोस्टुलेट, ड्राइव कैसे हुआ, अब रिलेशन भी हमने लिख लिया, क्या क्या हम इसमें करते हैं, ये ध्यान है आपके, पोस्टुलेट लिखते हैं, इसके बाद हम रिलेशन लिखते हैं इसका, ठीक है, फिर एक और रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन विद डेंसिटी भी बनाते हैं हम इसका डी, उसके बाद ग्राफ, और कौन से ग्राफ, ऑल पॉसिबल ग्राफ हमको बनाने हैं, फिर हमको रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टेंट वैल्यूज इन डिफरेंट प्रैक्टिकल, वो अभी बात समझ आएगी आपके जब करेंगे, ठीक है, ये चीजें हमको लिखनी होती है, ये हमेशा याद रखनी चाहिए, चार्ल्स लॉ चल रहा है और चार्ल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया है हमारा रिलेशन वाले,
चलिए तो भैया चार स्लो को आगे बढ़ाते हैं कहानी इसकी गाड़ी। ये आ गया हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ v1 वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, और v1 वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, दोनों बात ठीक है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमने क्या किया, पोस्टुलेट लिखा, रिलेशन बना दिया। रिलेशन विद डेंसिटी अब हमको बनाना है। एज वी नो डेंसिटी इज टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भैया, डेंसिटी इज टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर टर्म कौन सी है, वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम इज टू मास अपॉन डेंसिटी। एज वी नो मास क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहां से निकल के आ रहा है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ये निकल के आ रहा है। और यहां से आ रहा है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं लिखूं वॉल्यूम और डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, ये सेकंड था, ये सेकंड फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो अगर मैं सेकंड के अकॉर्डिंग लिखूं तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है ना, तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू d2 अपॉन d1 बनेगा। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिखूं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 d1 इक्वल्स टू v2 d1। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लिखूं, टेम्परेचर रेस्पेक्ट में v ये क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है, तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू डी टू अपॉन डी वन ये बनेगा, या फिर टी वन डी वन टी टू डी टू। ठीक है, ये डेंसिटी के साथ हमने सारे रिलेशन के बना लिए। चलिए इसके बाद आता है ऑल पॉसिबल ग्राफ्स। चलिए बनाते हैं ऑल पॉसिबल ग्राफ। एक तो इक्वेशन फर्स्ट से बनेगा ग्राफ, ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट से बनेगा और एक फर्स्ट से ही बनेगा, बट छोड़ दो सारी बात। चलिए आ जाओ यहां पर, ये बना ग्राफ। यहां पर है हमारा वॉल्यूम या टेम्परेचर, टेम्परेचर चलिए टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर एट एक्स एक्सिस एंड एट वाई एक्सिस वॉल्यूम वी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ये आ गया, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इस पूरे प्रेशर को सुनो, इस पूरे प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रेशर था वो कांस्टेंट था, और जो प्रेशर था वो था हमारा पी। ठीक है, अगर मैं एक प्रैक्टिकल करूं जिसमें प्रेशर ले लू पी टू, थ्रू आउट द प्रैक्टिकल प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रैक्टिकल पी थ्री ये बता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दीज आर कॉल्ड क्या, ये जो लाइन्स आई हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। बॉयल्स लॉ में आया था हमारा आइसोथर्म्स, उसको लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो, आइसोथर्म्स। ठीक है, तो आइसोबार आया। अब यहां पर ये तो हमने बता दिया, ठीक है सारी चीजें होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह सब आ गया, लेकिन यहां पर हमें पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी वन पी टू एंड पी थ्री, इनके बिटवीन रिलेशन क्या होगा, कैसे बता पाओ, कैसे बताना क्या है, एक बार बताओ। अकॉर्डिंग टू द लॉ कॉन्स्टेंट क्या चीज है मेरा, कॉन्स्टेंट है प्रेशर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कॉन्स्टेंट क्या है, थीटा। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कॉन्स्टेंट क्या है, थीटा है ना। क्या था ये, यहां से क्यों लिया, इफ आई हैव वी जीरो टू सॉरी वी टी टू वी जीरो प्लस 273.15 प्लस टी अपॉन 273.15, ये रिलेशन था। ठीक है, यानी कि अगर मैं टी इक्वल टू जीरो लेता हूं तो केल्विन स्केल मेरा, ये स्केल केल्विन है, तो केल्विन आएगा 273.15, यानी कि केल्विन इज क्या है, केल्विन ज्यादा है, कितना ज्यादा है सेल्सियस से, अगर ये सेल्सियस है, सेल्सियस जीरो सॉरी अगर डिग्री सेल्सियस जीरो है तो इससे केल्विन जो है 273.15 ज्यादा है इससे सेल्सियस से, अगर केल्विन जीरो हो जाए
तो ये सेल्सियस से ज्यादा है तो सेल्सियस माइनस में जाएगा 273.15, यानी कि पॉसिबल मिनिमम टेम्परेचर अगर कोई है तो वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर केस को जीरो, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी तो इसलिए यहां से हमने स्टार्ट किया इसको बिल्कुल कम से, ये बात कर लेते कि ये रिलेशन कैसे बनेगा प्रेशर का। एज यू नो PV=NRT, यहां से आप एक रिलेशन निकालेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बिटवीन निकाल देते हैं। ठीक है, या फिर प्रेशर और बाकी चीजों के बिटवीन निकाल लेते हैं, PV=NRT। चलो कांस्टेंट और प्रेशर के बिटवीन निकालते हैं। कांस्टेंट क्या हमारा यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम NR/P और T, ये तो हमारा रिलेशन आ जाएगा बॉयज लॉ का। ठीक है ना, अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाए बी और टी के बिटवीन क्या रिलेशन निकला हमारा, बी और टी V1/T1, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है स्लोप के लिए, तो V/T NR/P, ये तो कॉन्स्टेंट है ही, और इसके साथ साथ मैं NR भी यही लगा देता हूं तो ये पूरा ही कॉन्स्टेंट हो गया। तो V/T तो P तो इनवर्स में जाएगा ना, इससे इनवर्स में जाएगा तो 1/P आएगा, या फिर P=TNR/V आएगा, तो यानी कि ये इनवर्स आ गया। तो P अगर मैं इसको बोलूं 1/K आएगा उल्टा। ठीक है, तो जिसका कांस्टेंट ज्यादा उसका प्रेशर कम, और जिसका प्रेशर ज्यादा उसका कांस्टेंट कम। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेन थीटा या थीटा बोल सकते हो, जिसका θ1, θ2 और θ3 की बात चल रही है। अब अगर मैं रिलेशन निकालू θ1 > θ2 > θ3, तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो यूनिवर्सली आएगा किसके, प्रेशर के, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हिट लाइक इफ यू लाइक द वीडियो।